हेलो फ्रेंड्स, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज परम, आई एम मंजोत। वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। सो गाइस, आई होप आपने कुरान सूरा 2 विद उर्दू ट्रांसलेशन जो हमने कल किया था वो देख लिया होगा, है ना, आपने सुन लिया होगा। बहुत ही बेहतरीन था, बहुत अच्छे से हमने 2 पार्ट्स में किया सूरा 2, क्योंकि वो बहुत लेंथी था, बहुत लंबा था, है ना, तो हमने डिवाइड करके 2 पार्ट्स में किया। बहुत ऑसम था एंड बहुत अच्छे से हमें समझ में आया। हम थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं सो दैट हमें समझ में भी आए, है ना, एंड हम अच्छे से कर भी पाएँ, क्योंकि अगर हम एक साथ ज़्यादा करेंगे तो फिर उससे क्या हमें अच्छे से समझेगा भी नहीं। एंड हम 2 बार कर रहे हैं, लाइक यहाँ पे सूरा 1 से लेके सूरा 114 तक कर रहे हैं, एंड मेरे दूसरे चैनल पे परम इंडियन रिएक्शन पे वहाँ पे हम पारा 1, पारा 2, पारा 3 ऐसे कर रहे हैं। सो दैट 2 बार करेंगे तो अच्छे से समझ आएगा, और उर्दू में है तो और भी अच्छे समझ आता है। तो आज का जो हमारा जो आज हम सूरा 3 करने वाले हैं, सूरा 3 पार्ट 1 दैट इज़ अल ए इमरान। अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो मुझे प्लीज़ टोकिएगा, बताइएगा। द फैमिली ऑफ इमरान, ये सूरा 3 है ना, ओनली इन उर्दू ट्रांसलेशन। बहुत ही ऑसम होने वाला है, आई एम वेरी एक्साइटेड कि इसमें क्या होगा। हम मोहम्मद सबके लिए जो सीरीज़ है उस पर भी हम वो भी सुनते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, बहुत सारी चीज़ें रिलेट करते हैं हम। एंड सूरा 2 में भी बहुत नई नई चीज़ें पता चली, जैसे नमाज़ कैसे पढ़नी है, ज़कात कैसे अदा करनी है ना, तलाक़ के बारे में पता चला 2 बार या 3 बार, 2 बार बोलने के बाद तीसरी बार बोल दिया तलाक हो जाता है इस्लाम में। एंड शादी के बारे में, और ज़िंदगी जीने का तरीका पूरा, और जो सूद होता है वो सूद नहीं लेना चाहिए, हैं वो हराम होता है। yes. और खाने में क्या क्या है ना, वो सब चीज़ें पता चली हमें जो सूरा 2 में, और भी बहुत सारी चीज़ें थी एंड बहुत अच्छे से समझ आया। आई एम वेरी एक्साइटेड तो ये सुनने के लिए। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट आवर रिएक्शन वीडियो। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम। अल्लाह जो माबूद बरहक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, जिंदा है सबको थामने वाला। उसने ए नबी तुम पर सच्ची किताब नाजिल की जो पहली आसमानी किताबों की तस्दीक करती है, और उसी ने तौरात और इंजील नाजिल की थी। ये 2 किताबें उसने पहले नाजिल की थीं लोगों की हिदायत के लिए, और फिर कुरान जो हक और बातिल को अलग अलग कर देने वाला है नाजिल किया। जो लोग अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं उनको सख्त अजाब होगा, और अल्लाह जबरदस्त है, बदला लेने वाला है। अल्लाह ऐसा खबीर और बसीर है कि कोई चीज उससे पोशीदा नहीं, न जमीन में और न आसमान में। वही तो है जो मां के पेट में जैसी चाहता है तुम्हारी सूरतें बनाता है। उस गालिब हिकमत वाले के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ऐ पैगंबर, वही तो है जिसने तुम पर यह किताब नाजिल की जिसकी बाज आयतें मुहकम हैं, और वही असल किताब है, और बाज दूसरी मुतशाबे हैं। तो जिन लोगों के दिलों में कजी है वो मुतशाबिहात का इत्तबा करते हैं ताकि फितना बरपा करें और मुराद असली का पता लगाएं। हालांकि मुराद असली अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। और जो लोग इल्म में गहरी नजर रखते हैं वो ये कहते हैं कि हम उन पर ईमान लाए, ये सब आयात हमारे परवरदिगार की तरफ से हैं, और नसीहत तो अक्लमंद ही कबूल करते हैं। ऐ परवरदिगार, जब तूने हमें हिदायत बख्शी है तो उसके बाद हमारे दिलों में कजी ना पैदा कर दीजो, और हमें अपने हाथ से रहमत अता फरमा, तू तो बड़ा अता फरमाने वाला है। ऐ परवरदिगार, तू उस रोज जिसके आने में कुछ भी शक नहीं सब लोगों को अपने हुजूर में जमा कर लेगा, बेशक अल्लाह खिलाफ वादा नहीं करता। जो लोग काफिर हुए उस दिन न तो उनका माल ही अल्लाह के अजाब से उनको बचा सकेगा, और न उनकी औलाद ही कुछ काम आएगी, और ये लोग आतशे जहन्नम का ईंधन होंगे। इनका हाल भी फिरौनियों और इनसे पहले लोगों का सा होगा जिन्होंने हमारी आयतों की तकजीब की थी, तो अल्लाह ने उनको उनके गुनाहों के सबब अजाब में पकड़ लिया था, और अल्लाह सख्त अजाब करने वाला है। ऐ पैगंबर, काफिरों से कह दो कि तुम दुनिया में भी अनकरीब मगलूब हो जाओगे, और आखिरत में जहन्नम की तरफ इकट्ठा किए जाओगे, और वो बुरी जगह है तुम्हारे लिए 2 गिरोहों में जो जंगे बद्र के दिन आपस में भिड़ गए। कुदरत इलाही की अजीम शान निशानी थी। एक गिरोह मुसलमानों का था, वो अल्लाह की राह में लड़ रहा था, और दूसरा गिरोह काफिरों का था,
वो उनको अपनी आंखों से अपने से दुगना मुशाहिदा कर रहा था, और अल्लाह अपनी नुसरत से जिसको चाहता है मदद देता है। जो अहले बसारत हैं उनके लिए इस वाकये में बड़ी इबरत है। लोगों को उनकी ख्वाहिशों की चीजें यानी औरतें और बेटे और सोने और चांदी के बड़े बड़े ढेर और निशान लगे हुए घोड़े और मवेशी और खेती बड़ी जीनतदार मालूम होती हैं, मगर ये सब दुनिया ही की जिंदगी के सामान हैं और अल्लाह के पास बहुत अच्छा ठिकाना है। ऐ पैगंबर, इनसे कहो कि भला मैं तुमको ऐसी चीज बताऊं जो इन चीजों से कहीं अच्छी हो। सुनो, जो लोग परहेजगार हैं उनके लिए अल्लाह के यहां बागात बहिश्त हैं, जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, उनमें वो हमेशा रहेंगे, और पाकीजा बीवियां हैं, और सबसे बढ़कर अल्लाह की खुशनूदी। और अल्लाह अपने सब बंदों को देख रहा है जो अल्लाह से इल्तिजा करते हैं कि ऐ परवरदिगार, हम ईमान ले आए सो हमको हमारे गुनाह मुआफ फरमा और हमको दोजख के अजाब से महफूज रख। ये वो लोग हैं जो मुश्किलात में सब्र करते और सच बोलते और इबादत में लगे रहते और नेकी में खर्च करते और औकात सहर में गुनाहों की मुआफी मांगा करते हैं। अल्लाह तो इस बात की गवाही देता है कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं, इस हाल में कि वो इंसाफ का हाकिम है, और फरिश्ते और इल्म वाले भी गवाही देते हैं कि उस गालिब हिकमत वाले के सिवा कोई लायक इबादत नहीं। दीन तो अल्लाह के नजदीक इस्लाम ही है, और अहले किताब ने जो इस दीन से इख्तिलाफ किया तो इल्म हासिल होने के बाद आपस की जिद से किया, और जो शख्स अल्लाह की आयतों को न माने तो अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। ऐ पैगंबर, बस अगर ये लोग तुमसे झगड़ने लगे तो कहना कि मैं और मेरे पैरों तो अल्लाह के फरमाबरदार हो चुके, और अहले किताब और अनपढ़ लोगों से कहो कि क्या तुम भी अल्लाह के फरमाबरदार बनते और इस्लाम लाते हो? बस अगर ये लोग इस्लाम ले आए तो बेशक हिदायत पालें, और अगर तुम्हारा कहा ना माने तो तुम्हारा काम सिर्फ अल्लाह का पैगाम पहुंचा देना है, और अल्लाह अपने बंदों को देख रहा है। जो लोग अल्लाह की आयतों को नहीं मानते और अंबिया को नाहक कत्ल करते रहे हैं, और जो इंसाफ करने का हुक्म देते हैं उन्हें भी मार डालते हैं, उनको दुख देने वाले अजाब की खुशखबरी सुना दो। ये ऐसे लोग हैं जिनके आमाल दुनिया और आखिरत दोनों में बर्बाद हैं, और इनका कोई मददगार नहीं होगा। भला तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिनको किताब यानी तौरात से हिस्सा दिया गया, और वो इस किताबुल्लाह यानी कुरान की तरफ बुलाए जाते हैं ताकि ये उनके तनाजुआत का उनमें फैसला कर दे, तो एक फरीक उनमें से फिर जाता है और मुंह फेर लेता है। ये इसलिए कि ये इस बात के कायल हैं कि दोजख की आग हमें चंद रोज के सिवा छू ही नहीं सकेगी, और जो कुछ ये दीन के बारे में बोहतान बांधते रहे हैं उसने इनको धोखे में डाल रखा है। तो उस वक्त क्या हाल होगा जब हम इनको जमा करेंगे, यानी उस रोज जिसके आने में कुछ भी शक नहीं, और हर नफ्स अपने आमाल का पूरा पूरा बदला पाएगा और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। कहो कि ऐ अल्लाह, ऐ बादशाही के मालिक, तू जिसको चाहे बादशाही बख्शे और जिससे चाहे बादशाही छीन ले, और जिसको चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जलील करे। हर तरह की भलाई तेरे ही हाथ है, और बेशक तू हर चीज पर कादिर है। तू ही रात को दिन में दाखिल करता और तू ही दिन को रात में दाखिल करता है, तू ही बेजान से जानदार पैदा करता है और तू ही जानदार से बेजान पैदा करता है, और तू ही जिसको चाहता है बेहिसाब रिस्क बख्शता है। मोमिनों को चाहिए कि मोमिनों के सिवा काफिरों को दोस्त न बनाएं, और जो ऐसा करेगा उससे अल्लाह का कुछ अहद नहीं। हां, अगर इस तरीक से तुम उनके शर से बचाव की सूरत पैदा करो तो मजायका नहीं, और अल्लाह तुमको अपने गजब से डराता है और अल्लाह ही की तरफ तुमको लौट कर जाना है। ऐ पैगंबर, लोगों से कह दो कि कोई बात तुम अपने दिलों में मख्फी रखो या उसे जाहिर करो, अल्लाह उसको जानता है, और जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है उसको सबकी खबर है, और वह हर चीज पर कादिर है। जिस दिन हर शख्स अपनी की हुई नेकी को मौजूद पा लेगा और अपनी बुराई को भी देख लेगा तो आरजू करेगा कि ऐ काश उसमें और उस बुराई में दूर की मुसाफत हो जाती, और अल्लाह तुमको अपने गजब से डराता है और अल्लाह अपने बंदों पर निहायत मेहरबान है। ऐ पैगंबर, लोगों से कह दो कि अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखते हो तो मेरी पैरवी करो,
अल्लाह भी तुम्हें दोस्त रखेगा और तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा और अल्लाह बख्शने वाला है मेहरबान है। कह दो कि अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानो, बस अगर वो न माने तो अल्लाह भी काफिरों को दोस्त नहीं रखता। अल्लाह ने आदम और नूह और खानदान इब्राहिम और खानदान इमरान को तमाम जहान के लोगों में से मुंतखब फरमाया था, उनमें से बाज बाज की औलाद थे और अल्लाह सुनने वाला है जानने वाला है। वो वक्त याद करने के लायक है जब इमरान की बीवी ने कहा कि ऐ परवरदिगार, जो बच्चा मेरे पेट में है मैं इसको तेरी नजर करती हूं, इसे दुनिया के कामों से आजाद रखूंगी, तू इसे मेरी तरफ से कबूल फरमा, तू तो सुनने वाला है जानने वाला है। फिर जब उनके यहां बच्चा पैदा हुआ तो कहने लगी कि परवरदिगार मेरे तो लड़की हुई है, जबकि अल्लाह खूब जानता था जो उनके यहां विलादत हुई थी, और न होता लड़का मानंद इस लड़की के। और कहने लगी मैंने इसका नाम मरियम रखा है और मैं इसको और इसकी औलाद को शैतान मरदूद से तेरी पनाह में देती हूं। तो उसके परवरदिगार ने उसको पसंदीदगी के साथ कबूल फरमाया और उसे अच्छी तरह परवरिश किया और जकरिया को उसका कफील बनाया। जकरिया जब कभी इबादतगाह में उसके पास जाते तो उसके पास खाना पाते। ये कैफियत देखकर एक दिन मरियम से पूछने लगे कि मरियम ये खाना तुम्हारे पास कहां से आता है? वो बोली कि अल्लाह के यहां से आता है, बेशक अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है। उस वक्त जकरिया ने अपने परवरदिगार को पुकारा, अर्ज की कि परवरदिगार मुझे अपनी तरफ से औलाद सवाले अता फरमा, तू बेशक दुआ सुनने वाला है। चुनाचे वो अभी इबादतगाह में खड़े नमाज ही पढ़ रहे थे कि फरिश्तों ने आवाज दी कि जकरिया अल्लाह तुम्हें याहिया की बिशारत देता है, जो कलेमतुल्लाह यानी ईसा की तस्दीक करेंगे और सरदार होंगे और औरतों से रगबत न रखने वाले और एक पैगंबर यानी नेकुकारों में होंगे। जकरिया ने कहा ऐ परवरदिगार मेरे यहां लड़का क्यों कर पैदा होगा कि मैं तो बुढ़ा हो गया हूं और मेरी बीवी बांझ है? फरमाया इसी तरह अल्लाह जो चाहता है करता है। जकरिया ने कहा कि परवरदिगार मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर फरमा दे। फरमाया तुम्हारी निशानी यह है कि तुम लोगों से 3 दिन इशारे के सिवा बात ना कर सकोगे, तो उन दिनों में अपने परवरदिगार की कसरत से याद और सुबह शाम उसकी तस्बीह करना। और जब फरिश्तों ने मरियम से कहा कि मरियम अल्लाह ने तुमको बरगुजीदा किया है और तुम्हें पाक बनाया है और दुनिया जहान की औरतों में से तुमको मुंतखब किया है, ऐ मरियम अपने परवरदिगार की फरमाबरदारी करना और सजदा करना और रुकू करने वालों के साथ रुकू करना। ऐ नबी ये बातें अखबार गैब में से हैं जो हम तुम्हारे पास भेजते हैं। और जब वो लोग अपने कलम बतौर कुरा डाल रहे थे कि मरियम का कफील कौन बने तो तुम उनके पास नहीं थे और न उस वक्त ही उनके पास थे जब वो आपस में झगड़ रहे थे। वो वक्त भी याद करने के लायक है जब फरिश्तों ने मरियम से कहा कि मरियम अल्लाह तुमको अपनी तरफ से एक कलमे की बिशारत देता है जिसका नाम मसीह और मशहूर ईसा इब्ने मरियम होगा और जो दुनिया और आखिरत में आबरूमंद और मुकर्रबीन में से होगा और मां की गोद में और बड़ी उम्र का होकर दोनों हालतों में लोगों से यकसा गुफ्तगू करेगा और नेकुकारों में होगा। मरियम ने कहा कि परवरदिगार मेरे यहां बच्चा क्यों कर होगा कि किसी इंसान ने मुझे हाथ तक तो लगाया नहीं? फरमाया कि अल्लाह इसी तरह जो चाहता है पैदा करता है, जब वो कोई काम करना चाहता है तो इरशाद फरमा देता है कि हो जा तो वो हो जाता है और वो उसे किताब हिकमत और तौरात और इंजील का इल्म अता करेगा और ईसा बनी इसराइल की तरफ पैगंबर होकर जाएंगे और कहेंगे कि मैं तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशानी लेकर आया हूं, वो ये कि तुम्हारे सामने मिट्टी से परिंदे की सूरत बनाता हूं फिर उसमें फूंक मारता हूं तो वो अल्लाह के हुक्म से सचमुच परिंदा हो जाता है और पैदाइशी अंधे और अबरस को तंदुरुस्त कर देता हूं और अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर देता हूं और जो कुछ तुम खाकर आते हो और जो अपने घरों में जमा कर रखते हो सब तुमको बता देता हूं। अगर तुम साहिब ईमान हो तो इन बातों में तुम्हारे लिए निशानी है और मुझसे पहले जो तौरात नाजिल हुई थी उसकी तस्दीक भी करता हूं और मैं इसलिए भी आया हूं कि बास चीजें जो तुम पर हराम थीं उनको तुम्हारे लिए हलाल कर दूं और मैं तो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशानी लेकर आया हूं, तो अल्लाह से डरो और मेरा कहा मानो, कुछ शक नहीं कि अल्लाह ही मेरा और तुम्हारा परवरदिगार है तो उसी की इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। फिर जब ईसा ने उनकी तरफ से इनकार और नाफरमानी ही देखी तो कहने लगे कि कोई है जो अल्लाह का तरफदार और मेरा मददगार हो?
हवारी बोले कि हम अल्लाह के तरफदार और आपके मददगार हैं, हम अल्लाह पर ईमान लाए और आप गवाह रहे कि हम फरमाबरदार हैं। ऐ परवरदिगार, जो किताब तूने नाजिल फरमाई है हम उस पर ईमान ले आए और तेरे पैगंबर के मुत्तबे हो चुके। तू हमको मानने वालों में लिख रख, और वो यानी यहूद कत्ल ईसा के बारे में एक चाल चले और अल्लाह ने भी ईसा को बचाने के लिए तदबीर की, और अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है। उस वक्त अल्लाह ने फरमाया कि ईसा, मैं तुम्हारी दुनिया में रहने की मुद्दत पूरी करके तुमको अपनी तरफ उठा लूंगा और तुम्हें काफिरों की सोहबत से पाक कर दूंगा, और जो लोग तुम्हारी पैरवी करेंगे उनको काफिरों पर कयामत तक फायक व गालिब रखूंगा। फिर तुम सब मेरे पास लौट कर आओगे तो जिन बातों में तुम इख्तिलाफ करते रहे उस दिन तुम में उनका फैसला कर दूंगा। अब जो काफिर हुए उनको दुनिया और आखिरत दोनों में सख्त अजाब दूंगा और उनका कोई मददगार न होगा। और जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे उनको अल्लाह पूरा पूरा सिला देगा, और अल्लाह जालिमों को दोस्त नहीं रखता। ऐ नबी, यह हम तुमको अल्लाह की आयतें और हिकमत भरी नसीहतें पढ़ पढ़ कर सुनाते हैं। ईसा का हाल अल्लाह के नजदीक आदम का सा है कि उसने पहले मिट्टी से उनको बनाया, फिर फरमाया कि बाशऊर इंसान हो जा, तो वो वैसे ही हो गए। ये बात तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हक है तो तुम हरगिज शक करने वालों में न होना। फिर अगर ये लोग ईसा के बारे में तुमसे झगड़ा करें उसके बाद कि तुमको हकीकत मालूम हो ही चुकी है, तो उनसे कहना कि आओ हम अपने बेटों और बेटियों को बुलाएं, तुम अपने बेटों और बेटियों को बुलाओ, और हम खुद भी आएं और तुम खुद भी आओ। फिर दोनों फरीक अल्लाह से दुआ और इल्तिजा करें, इस तरह झूठों पर अल्लाह की लानत भेजें। ये तमाम बयानात सही हैं, और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और बेशक अल्लाह गालिब है साहिब हिकमत है। बस अगर ये लोग फिर जाएं तो अल्लाह मुफसिदों को खूब जानता है। कह दो कि ऐ अहले किताब, जो बात हमारे और तुम्हारे दोनों के दरमियान यकसा तस्लीम की गई है उसकी तरफ आओ, वो ये कि अल्लाह के सिवा हम किसी की इबादत न करें और उसके साथ किसी चीज को शरीक न बनाएं, और हम में कोई किसी को अल्लाह के सिवा अपना कारसाज न समझे। फिर अगर ये लोग इस बात को न माने तो इनसे कह दो कि तुम गवाह रहो कि हम अल्लाह के फरमाबरदार हैं। ऐ अहले किताब, तुम इब्राहिम के बारे में क्यों झगड़ते हो, हालांकि तौरात और इंजील उनके बाद उतरी हैं और वो पहले हो चुके, तो क्या तुम अक्ल नहीं रखते? देखो, ऐसी बात में तो तुमने झगड़ा किया ही था जिसका तुम्हें कुछ इल्म था भी, मगर ऐसी बात में क्यों झगड़ते हो जिसका तुमको कुछ भी इल्म नहीं, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। इब्राहिम न तो यहूदी थे और न ईसाई, बल्कि सबसे बेताल्लुक होकर एक अल्लाह के हो रहे थे और उसी के फरमाबरदार थे और मुशरिकों में न थे। इब्राहिम से ज्यादा कुर्ब रखने वाले तो वो लोग हैं जो उनकी पैरवी करते रहे, और ये पैगंबर आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, और वो लोग जो ईमान लाए हैं, और अल्लाह मोमिनों का कारसाज है। ऐ अहले इस्लाम, बाज़े अहले किताब इस बात की ख्वाहिश रखते हैं कि किसी तरह तुमको गुमराह कर दें, हालांकि ये तुमको क्या गुमराह करेंगे, अपने आप को ही गुमराह कर रहे हैं और नहीं जानते। ऐ अहले किताब, तुम अल्लाह की आयतों से क्यों इनकार करते हो और तुम तौरात को मानते तो हो? ऐ अहले किताब, तुम सच को झूठ के साथ खल्त मल्त क्यों करते हो और हक को क्यों छुपाते हो जबकि तुम जानते भी हो? और अहले किताब का एक गिरोह अपने आदमियों से कहता है कि जो किताब मोमिनों पर नाजिल हुई है उस पर दिन के शुरू में तो ईमान ले आया करो और उसके आखिर में इनकार कर दिया करो, ताकि वो इस्लाम से बरगश्ता हो जाएं, और अपने दीन के पैरों के सिवा किसी और की बात का यकीन न कर लेना। ऐ पैगंबर, कह दो कि हिदायत तो अल्लाह ही की हिदायत है। वो ये भी कहते हैं, ये भी ना मानना कि जो चीज तुमको मिली है वैसी किसी और को भी मिल सकती है, वरना वो तुम पर तुम्हारे रब के रूबरू हुज्जत कायम कर देंगे। ऐ पैगंबर, कह दो कि बुजुर्गी अल्लाह ही के हाथ में है, वो जिसे चाहता है देता है, और अल्लाह कुशाइश वाला है, इल्म वाला है, वो अपनी रहमत से जिसको चाहता है खास कर लेता है, और अल्लाह बड़े फजल का मालिक है। और अहले किताब में से कोई तो ऐसा है कि अगर तुम उसके पास दीनारों का ढेर अमानत रख दो तो तुमको फौरन वापस दे दे, और कोई इस तरह का है कि अगर उसके पास एक दीनार भी अमानत रखो तो जब तक उसके सर पर हर वक्त खड़े ना रहो तुम्हें दे ही नहीं। ये इसलिए कि वो कहते हैं कि उम्मीदों के बारे में हमसे मुआवजा नहीं होगा।
ये अल्लाह पर महज झूठ बोलते हैं और इस बात को जानते भी हैं। हां क्यों नहीं, जो शख्स अपने इकरार को पूरा करे और परहेजगार बना रहे तो अल्लाह भी परहेजगारों को दोस्त रखता है। जो लोग अल्लाह के इकरारों और अपनी कस्मों को बेच डालते हैं और उनके इवज थोड़ी सी कीमत हासिल करते हैं, उनका आखिरत में कुछ हिस्सा नहीं। उनसे अल्लाह न तो कलाम करेगा और न कयामत के रोज उनकी तरफ देखेगा और न उनको पाक करेगा और उनको दुख देने वाला अजाब होगा। और इन अहले किताब में बाज ऐसे हैं कि किताब यानी तौरात को जबान मरोड़ मरोड़ कर पढ़ते हैं ताकि तुम समझो कि जो कुछ वो पढ़ते हैं किताब में से है, हालांकि वो किताब में से नहीं होता। और कहते हैं कि वो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है, हालांकि वो अल्लाह की तरफ से नहीं होता। और अल्लाह पर झूठ बोलते हैं और ये बात जानते भी हैं। किसी आदमी को शाया नहीं कि अल्लाह उसे किताब और हुकूमत और नबूवत अता फरमाए फिर वो लोगों से कहे कि अल्लाह को छोड़कर मेरे बंदे हो जाओ, बल्कि उसको ये कहना चाहिए कि ऐ अहले किताब तुम रब्बानी हो जाओ, क्योंकि तुम किताब की तालीम भी देते हो और क्योंकि पढ़ते पढ़ाते रहते हो। और उसको ये भी नहीं कहना चाहिए कि तुम फरिश्तों और पैगंबरों को माबूद बना लो। भला जब तुम मुसलमान हो चुके तो क्या वो तुम्हें काफिर होने को कहेगा? और जब अल्लाह ने पैगंबरों से अहद लिया कि जब मैं तुमको किताब और दानाई अदा करूं फिर तुम्हारे पास कोई पैगंबर आए जो तुम्हारी किताब की तस्दीक करे तो तुम्हें जरूर उस पर ईमान लाना होगा और जरूर उसकी मदद करनी होगी। और अहद लेने के बाद पूछा कि भला तुमने इकरार किया और इस इकरार पर मेरा जिम्मा लिया यानी मुझे जामिन ठहराया? उन्होंने कहा हां हमने इकरार किया। फरमाया कि तुम इस अहद पैमान के गवाह रहो और मैं भी तुम्हारे साथ गवाह हूं। अब जो लोग इसके बाद फिर जाएं तो वही बदकिरदार हैं। फिर क्या ये काफिर अल्लाह के दीन के सिवा किसी और दीन के तालिब हैं? हालांकि सब अहले आसमान और जमीन खुशी या नाखुशी से अल्लाह के फरमाबरदार हैं और उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। कहो कि हम अल्लाह पर ईमान लाए और जो किताब हम पर नाजिल हुई और जो सहीफ इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और उनकी औलाद पर उतरे और जो किताबें मूसा और ईसा और दूसरे अंबिया को परवरदिगार की तरफ से मिली सब पर ईमान लाए। हम इन पैगंबरों में से किसी में कुछ फर्क नहीं करते और हम उसी अल्लाह के फरमाबरदार हैं। और जो शख्स इस्लाम के सिवा किसी और दीन का तालिब होगा वो उससे हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा और ऐसा शख्स आखिरत में नुकसान उठाने वालों में होगा। अल्लाह ऐसे लोगों को क्यों कर हिदायत दे जो ईमान लाने के बाद काफिर हो गए और पहले इस बात की गवाही दे चुके कि ये पैगंबर बरहक है और उनके पास दलाइल भी आ गए। और अल्लाह बेइंसाफों को हिदायत नहीं देता। इन लोगों की सजा यह है कि इन पर अल्लाह की और फरिश्तों की और इंसानों की सबकी लानत है, हमेशा इस लानत में गिरफ्तार रहेंगे। इनसे न तो अजाब हल्का किया जाएगा और न इन्हें मोहलत दी जाएगी। हां जिन्होंने इसके बाद तौबा की और अपनी हालत दुरुस्त कर ली तो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। जो लोग ईमान लाने के बाद काफिर हो गए फिर कुफ्र में बढ़ते गए ऐसों की तौबा हरगिज कबूल नहीं होगी और ये लोग गुमराह हैं। जो लोग काफिर हुए और कुफ्र ही की हालत में मर गए वो अगर नजात हासिल करनी चाहें और बदले में जमीन भर सोना दें तो हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा। इन लोगों को दुख देने वाला अजाब होगा और इनका कोई मददगार नहीं होगा। मोमिनों जब तक तुम उन चीजों में से जो तुम्हें अजीज हैं अल्लाह की राह में खर्च न करोगे कभी नेकी हासिल न कर सकोगे और जो चीज तुम खर्च करोगे अल्लाह उसको जानता है। बनी इसराइल के लिए तौरात के नाजिल होने से पहले खाने की तमाम चीजें हलाल थीं, बजुज उनके जो याकूब ने खुद अपने ऊपर हराम कर ली थी। कह दो कि अगर सच्चे हो तो तौरात लाओ और उसे पढ़ो यानी दलील पेश करो। अब जो उसके बाद भी अल्लाह पर झूठे इफ्तरा करें तो ऐसे लोग ही बेइंसाफ हैं। कह दो कि अल्लाह ने सच फरमा दिया, पस दीन इब्राहिम की पैरवी करो जो सबसे बेताल्लुक होकर एक अल्लाह के हो रहे थे और मुशरिकों में से न थे। सबसे पहला घर जो लोगों की इबादत करने के लिए मुकर्रर किया गया था वही है जो मक्के में है, बाबरकत और जहान वालों के लिए मूजिबे हिदायत। इसमें खुली हुई निशानियां हैं जिनमें से एक इब्राहिम के खड़े होने की जगह है। जो शख्स इस मुबारक घर में दाखिल हुआ उसने अमन पा लिया और लोगों पर अल्लाह का हक यानी फर्ज है कि जो इस घर तक जाने का मकदूर रखे वो इसका हज करे और जो इस हुक्म की तामील न करेगा तो अल्लाह भी अहले आलम से बेनियाज है। कहो
कि ऐ अहले किताब, तुम अल्लाह की आयतों से क्यों कुफ्र करते हो जबकि अल्लाह तुम्हारे सब आमाल से बाखबर है। कहो कि ऐ अहले किताब, तुम मोमिनों को अल्लाह के रास्ते से क्यों रोकते हो और बावजूद है कि तुम उससे वाकिफ हो उसमें कजी निकालते हो, और अल्लाह तुम्हारे करतूतों से बेखबर नहीं। मोमिनों, अगर तुम अहले किताब के किसी फरीक का कहा मान लोगे तो वो तुम्हें ईमान लाने के बाद काफिर बना देंगे, और तुम क्यों कर कुफर करोगे जबकि तुमको अल्लाह की आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाई जाती हैं और तुम में उसके पैगंबर मौजूद हैं, और जिसने अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ लिया वो सीधे रस्ते लग गया। मोमिनों, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है, और मरना तो मुसलमान ही मरना, और सब मिलकर अल्लाह की हिदायत की रस्सी को मजबूत पकड़े रहना और फिरते फिरते न हो जाना, और अपने ऊपर अल्लाह की उस मेहरबानी को याद रखना जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे तो उसने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी और तुम उसकी मेहरबानी से भाई भाई हो गए, और तुम आग के गढ़े के किनारे तक पहुंच चुके थे तो उसने तुमको उससे बचा लिया। इस तरह अल्लाह तुमको अपनी आयतें खोल खोल कर सुनाता है ताकि तुम राह रास्त पर रहो, और तुम में एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को नेकी की तरफ बुलाए और अच्छे काम करने का हुक्म दे और बुरे कामों से मना करे, यही लोग हैं जो कामयाब हैं। गाइस, ये था हमारा रिएक्शन ऑन कुरान उर्दू ट्रांसलेशन सूरा 3 अल ए इमरान, द फैमिली ऑफ इमरान। अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो प्लीज़ हमें बताइएगा। हमने ये शॉर्ट में किया है, ये अल इमरान पार्ट 3 सूरा 3, टोटल लाइक 47 मिनट्स का था ट्रांसलेशन पूरा, बट हमने दो पार्ट में इसको डिवाइड किया है जस्ट फॉर अ गुड अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा अच्छे से समझ आए। अगर हम पूरा एकदम एक साथ पूरा ही पढ़ लेंगे है ना, सुन लेंगे, तो फिर बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूजिंग हो जाती हैं, एंड एकदम हार्डकोर उर्दू है ये है ना। yes. एक तो बट स्टिल हमें समझ आता है बहुत सारी चीज़ें, लाइक काफ़ी हद तक समझ आती है। yes. जैसे कि उन्होंने बताया कि हमें अल्लाह की इबादत करना चाहिए। yes. हमें लाइक मरना भी वही चाहिए, लाइक इस्लाम कबूल करना चाहिए और इस्लाम में ही रहना चाहिए। yes. और जो भी अल्लाह ने जो भी चीज़ें बताई हैं, जो भी हदें बताई हैं, वो हदों के हिसाब से ही करना चाहिए और चलना चाहिए। एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, एंड बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, एंड जो आगे का जो पार्ट 2 है वो भी हम अच्छे से जल्दी करेंगे, आपके लिए लेके आएंगे। एंड अगर हम लाइक दो दो बार कर रहे हैं ना हम, तो ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। अभी एक बार फिर से हम करेंगे, वो पारा 3 करेंगे, तो पारा 3 में और अच्छे से समझ आएगा। एंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी ये पार्ट सूरा 3, एंड पार्ट 1 था ये, पार्ट 2 में हमको पता चलेगा कि कुरान मतलब इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई हैं उन्होंने, एंड अगर हमने ये चीज़ें अपनी ज़िंदगी में कबूल करी तो हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, एंड और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई। यस, एंड इसमें ये भी समझ में आया कि अल्लाह से डरो एंड जुल्म ज़ाती ना करो आप, एंड अल्लाह सब सुनते हैं, अल्लाह को हमेशा खुश रखो, अल्लाह की इबादत करो, एंड आगे भी हमें बहुत कुछ पता चलेगा एंड काफ़ी नॉलेज मिल रही है, कुछ सीखने मिल रहा है, एंड ज़िंदगी जीने का अच्छा तरीका पता चल रहा है इसमें। सो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो थी। यस, सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। शाबाश, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।